हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30, और अभी मैं जा रहा हूँ तेलडिहा माता का दर्शन करने के लिए, जो कि बांका जिला में शंभूगंज थाना के अंतर्गत तेलडिहा महारानी का मंदिर है। तो अभी मैं जा रहा हूँ तेलडिहा माता का दर्शन करने के लिए, और अभी मैं कुछ दिनों से बिहार में ही हूँ, और अचानक सा प्लान बन गया कि आज जाना है तेलडिहा माँ का दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा तेलडिहा माँ के मंदिर के बारे में, सारा इतिहास बताऊंगा, मैं पूरा कहानी बताऊंगा उस जगह के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे है गोड़ियारी नदी। यह है गोड़ियारी नदी, और सावन में यही पुल से कमरिया लोग पार होता है। पहले उस जगह से पार हुआ करता था नीचे से, तो 2005 में बाढ़ आया, बहुत ज़्यादा फ्लड आया, जिसके कारण उसके बाद ये पुल बनाया, उसके बाद ये पुल से जाता है कमरिया लोग सावन में। और यहाँ से है तेलडिहा माँ का मंदिर की दूरी 12 या 13 किलोमीटर के बीच में है। तो चलिए तेलडिहा महारानी के मंदिर की ओर बढ़ते हैं, और वीडियो के आप लास्ट तक बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही आपको मैं इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको आप लोग के लिए लाता रहूँगा। तो गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी, एंड तो चलते हैं। और हाँ, वेलकम टू द चैनल एडवेंचरिंग प्रीचर, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं जा रहा हूँ, और मेरे साथ जा रहा है मिंटू भैया। मिंटू भैया, हाय कीजिए। मिंटू भैया को आपने हनुमान डैम एक्सप्लोर वाला वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं इधर आई बटन में लिंक दे दूँगा, इधर और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए तेलडिहा महारानी के मंदिर की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। सब क्रिकेटर का फोटो आ रहा है, सब आ गया। एक्शन एक्शन, दोस्तों अभी हम खैरा गांव पहुंचे हैं। हमने 7 किलोमीटर यात्रा करने के बाद अभी हम खैरा गांव पहुंचे हैं, और यहां से है तारापुर की दूरी मात्र 5 या 6 किलोमीटर की दूरी के बीच में है। तो चलिए सीधा आप लोग से मिलता हूँ सीधा तेलडिहा मंदिर में। तो वीडियो में अभी भी आप बने रहें। दोस्तों, 45 मिनट या 50 मिनट यात्रा करने के बाद हम अभी तेलडिहा मंदिर पहुंच चुके हैं, और आप मेरे पीछे देखिए, यही है तेलडिहा माता मंदिर। जय माता दी। दोस्तों, ये मंदिर सिचुएटेड है बिहार में बांका जिला के शंभूगंज थाना के अंतर्गत ये मंदिर है, और ये दुर्गा माँ का मंदिर है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होता है आश्विन के महीने में और चैत के महीने में। आश्विन के महीने में दुर्गा पूजा के समय में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है और मेला लगता है, और यहाँ पे बकरे का बलि होता है, इस जगह पे बकरे का बलि होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्लास्टर कर दिया है, टाइल्स वाइल्स बिछा दिया है, लेकिन उधर टाइल्स नहीं डाला है, क्योंकि वहाँ पर बलि होता है। और माँ का जो पिंडी है, अंदर में जो माँ का पिंडी है, उसमें भी टाइल्स नहीं लगा हुआ है, मिट्टी का ही पिंडी है। भक्तों ने सोचा कि माँ का पिंडी जो है वो टाइल्स का कर देंगे, प्लास्टर कर देंगे, संगमरमर लगा देंगे, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि माँ ने सपना दिया और बोला कि आप जो है जैसा है मेरा मंदिर वैसा ही रहने दीजिए, उसमें कोई बदलाव नहीं कीजिए। दोस्तों, इस मंदिर का अगर इतिहास की बात करें तो 16वीं शताब्दी में एक हरिवल्लभ चंद्रदास कह के एक आदमी थे, और उन्होंने ये मंदिर का स्थापना किया था 16वीं शताब्दी में, और ये बहुत प्राचीन मंदिर एक तरह से कहा जा सकता है। जब अंग्रेज़ों का शासन नहीं हुआ करता था भारत में, उससे भी पहले यह मंदिर का निर्माण हुआ था, और आज भी ये मंदिर बहुत ही पावन, यहाँ दोस्तों यहाँ पर आने से आपकी सारी मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि ये मनोकामना सिद्ध के लिए ये मंदिर जाना जाता है। और अगर आप यहाँ तक आना चाहते हैं तो आपको
तारापुर आना पड़ेगा। तारापुर से मात्र 2 किलोमीटर दूर में ये मंदिर स्थित है। और तारापुर आपको बिहार में मुंगेर जिला में एक जगह है, तारापुर एक थाना पड़ता है, मुंगेर जिला में एक थाना पड़ता है जिसका नाम है तारापुर। और इस तारापुर से मात्र 2 किलोमीटर के बगल में ये मंदिर है। और सबसे बड़ी बात है कि ये मंदिर बांका जिला और मुंगेर जिला के बीच में, यानी कि उसके बॉर्डर में ही ये मंदिर है। अगर आप नदी के पार जाएंगे तो मुंगेर जिला है, और नदी के इस पार आएंगे तो ये बांका जिला है। और ये शंभूगंज थाना के अंतर्गत ये मंदिर है। तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको सुल्तानगंज से मात्र आपको 25 किलोमीटर की दूरी में यह मंदिर मिलेगा, और तारापुर से 2 किलोमीटर, और देवघर से आपको 85 किलोमीटर या 90 किलोमीटर की दूरी में आपको यह मंदिर मिलेगा। दोस्तों, यह है मंदिर का प्रवेश द्वार, और यहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो जाता है, श्रद्धालुओं का ज़्यादा भीड़ हो जाता है तो इधर से लाइन लगता है और फिर मंदिर प्रवेश कर सकते हैं आप। जो भी यहाँ पर नई गाड़ी खरीदते हैं और यहाँ पर आके माँ के मंदिर में आके पूजा कराते हैं। दोस्तों, ये मंदिर फरवरी 2022 में अंडर ऑफ बिहार गवर्नमेंट के अंदर ये मंदिर आ गया है, यानी कि सरकारी हो गया है। और फरवरी से पहले, उससे पहले ये ग्रामवासी पंडा समाज के अंडर में हुआ करता था, लेकिन फरवरी 2022 से ये मंदिर टोटली सरकारी हो चुका है। दोस्तों, इस जगह पे मंगलवार और शनिवार 2 दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और बाकी अंदिना बहुत कम भीड़ होता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। और चैत महीना और आश्विन महीना की बात ही तो छोड़ दीजिए, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है, मेला लगता है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे फूलों की दुकानें हैं, ध्वजा मिलता है और चुन्नी मिलता है माता जी के लिए मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको मिठाई मिलेगा, लड्डू मिलेगा कई प्रकार के। तो कुछ ऐसा नज़ारा है पीछे का। दोस्तों, यहाँ पे आपको 4 प्रकार के लड्डू मिलेंगे। ये बेसन का लड्डू हो गया, 3 प्रकार का है ना, ये बेसन का लड्डू हो गया, ये बूंदी का लड्डू हो गया, और ये लाल बूंदी का लड्डू हो गया। कैसे है ये, इसका रेट 120, और इसका 100, और इसका 120, 100 रुपये किलो। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आते हैं तेलडिहा माँ का दर्शन करने के लिए, तो आपको पूजा करने से पहले आपको चुन्नी लेना पड़ता है, और मिठाई विठाई लेना पड़ता है, नारियल भी लेना पड़ता है। तो आप ये भैया के पास आएंगे, आपका भैया नाम महेश्वर मंडल इनका नाम है, आप इनके दुकान पे आइए, आपको चीप एंड बेस्ट सामान मिल जाएगा। और ये जस्ट मंदिर के जस्ट सामने ये एक चापानल है, चापानल के सामने ही ये इनका दुकान है। हर संभव ग्राहक की सेवा करते हैं। हाँ भैया, आप कब तक दुकान खुला रखते हैं, मतलब कब खोलते हैं सुबह दुकान? कितने बजे सुबह खुलते हैं? 6 बजे दुकान खुल जाती है। और मंदिर कितना बजे खुलता है, मंदिर कितना बजे खुल जाता है? नहीं, मंदिर कितना बजे सुबह खुलता है? 5 बजे। 5 बजे और बंद होता है कितना बजे? 9:30 रात में। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, तो अगर आप यहाँ पे आते हैं दोस्तों, सुबह 5 बजे मंदिर खुल जाती है और रात में 9 बजे तक मंदिर खुला रहता है। तो आप देख सकते हैं कुछ नज़ारा ऐसा है मंदिर के बैकग्राउंड का। दोस्तों, ये वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नए दिन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।